जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल क्या है और यह भविष्य के लिए कैसी उपयोगी है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे अगर एथेनॉल भविष्य के लिए उपयोगी है तो वह कौन सी कंपनियां हैं जो एथेनॉल बनाती हैं, ताकि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके, सही समय पर इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। देखिए दोस्तों, एथेनॉल जो है आसान भाषा में कहें तो यह भविष्य का ईंधन है, और सरकार चाहती है इस भविष्य के ईंधन के लिए 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक बढ़ा देना। ऐसा इसलिए ताकि लोगों की पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल की तरफ आकर्षित हो सकें। अब आसान भाषा में समझिए कि इथेनॉल है क्या। देखिए, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है और इसको सामान्य रूप में इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इथाइल अल्कोहल का अलग अलग काम होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल का प्रयोग हम लोग करते हैं बियर बनाने में, शराब बनाने में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जो सैनिटाइजर होता है हमारे घरों में जिससे हम लोग हाथ धोते हैं, उसमें भी इस अल्कोहल का यानी कि एथेनॉल का प्रयोग होता है। और इसके अलावा पेंट्स में तथा फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो हम लोग बेसिकली फ्यूल के बारे में समझेंगे कि फ्यूल में एथेनॉल का क्या उपयोग है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए समझते हैं फ्यूल। देखिए, इथेनॉल है, इसको पेट्रोल के तौर पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डाला जाता है वहाँ इथेनॉल डालकर भी हम उस इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, उस गाड़ी को चला सकते हैं। क्योंकि यह जो इथेनॉल है यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि यह अगर ईंधन के तौर पर काम करता है तो यह एक ऐसा ईंधन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, अर्थात इसको हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो है इथेनॉल, यह बनाया जाता है गन्ना से, मक्का से और गेहूं से। तो जब तक मानव सभ्यता पृथ्वी पर रहेगी तब तक गन्ना का उत्पादन होगा, मक्का का उत्पादन होगा, गेहूं का उत्पादन होगा, ये तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए इथेनॉल को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जबकि पेट्रोल है, यह एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन, हम लोग जानते हैं यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल का बाजार भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, जो इथेनॉल होता है वह इको फ्रेंडली होता है, अर्थात इथेनॉल का प्रयोग जब हम लोग ईंधन के तौर पर करेंगे तो उसमें से प्रदूषण नहीं निकलेगा, जबकि जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं या डीजल गाड़ियां होती हैं उसमें से धुआं निकलता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए इथेनॉल है वह पेट्रोल का अल्टरनेटिव हो सकता है, यानी कि पेट्रोल की जगह पर हम लोग इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ही इथेनॉल का डिमांड लगभग 10 गुना बढ़ने वाला है। आपको याद होगा कुछ समय पहले स्पाइसजेट का एक प्लेन जिसमें बायोफ्यूल डाला गया था वह दिल्ली आया था उड़कर, क्योंकि वो बायोफ्यूल इथेनॉल से ही बना था। मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बल्कि तमाम इंडस्ट्री इथेनॉल की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो ज़रूरी है कि जो कंपनियां इथेनॉल बनाती हैं उसमें सही समय पर हम इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि आने वाले समय पर हम मोटा पैसा बना सकें। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से टॉप 5 कंपनियां हैं भारत में जो इथेनॉल बनाती हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की कंपनी, उसका नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यह भारत का एक लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंपनी है, और शुगर प्रोड्यूसर के अलावा यह इथेनॉल भी बनाती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वह शुगर से होता है। तो 22% रेवेन्यू जो इसका आता है इथेनॉल से भी आता है, क्योंकि शुगर के बाद यह सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाता है। और जैसे जैसे भविष्य में इथेनॉल का डिमांड बढ़ेगा यह कंपनी शुगर से ज़्यादा इथेनॉल बनाने पर ध्यान देगी और इथेनॉल का प्रोडक्शन अपना बढ़ाएगी। अगर वर्तमान में इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो 351 रुपये। दूसरे नंबर की जो कंपनी है उसका नाम है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। यह कंपनी शुगर और इथेनॉल दोनों बनाती है, और इस यह इथेनॉल बनाने के लिए अपना एक नया अलग से प्लांट सेटअप करना चाह रही है जिसमें सिर्फ इथेनॉल बनाया जाएगा। तो इस लिहाज से यह कंपनी काफ़ी मायने रखती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इथेनॉल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और इसका अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो 95.90 रुपये के आसपास है। तो यह कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब नंबर 3 की जो कंपनी है उसका नाम है कोठारी शुगर केमिकल लिमिटेड। कोठारी शुगर और केमिकल लिमिटेड यह अलग अलग प्रकार का इथेनॉल बनाता है, यानी कि इथेनॉल का जैसे मैंने बताया अलग अलग काम होता है उसमें देखेंगे आप तो यह न्यूट्रल अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, फ्यूल अल्कोहल यानी कि ईंधन के लिए जो अल्कोहल की जरूरत है, जो इथेनॉल की जरूरत है, वह यह कंपनी बनाती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो 40.80 रुपये है। शेयर प्राइस काफ़ी कम है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिएगा। नंबर 4 की जो कंपनी है उसका नाम है डालमिया भारत शुगर। डालमिया भारत शुगर का मार्केट कैप है 2785 करोड़ रुपया, यानी कि यह एक मिड कैप रेंज की कंपनी इसको कह सकते हैं।
और सबसे खास बात यह है कि मिड कैप के अलावा इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वह भी काफ़ी बेहतर है और शेयर प्राइस है 344 रुपये। अब फंडामेंटल बेहतर है तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। नंबर 5 की जो कंपनी उसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड। देखिए यह एक जैकपॉट स्टॉक है। जैकपॉट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट कैप है 1271 करोड़ रुपया, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उस लिहाज से भी इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी कम है, सिर्फ 10 रुपये का यह स्टॉक है। हालांकि इसका फंडामेंटल उतना इन सब कंपनियों के मुकाबले बेहतर नहीं है, यही वजह है कि शेयर प्राइस कम है, लेकिन धीरे धीरे जब इथेनॉल का डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी प्रॉफिट में आएगी और प्रॉफिट में आने के बाद इसका फंडामेंटल धीरे धीरे बेहतर होते जाएगा, इसलिए इस जैकपॉट स्टॉक को मैंने इस लिस्ट में रखा है। तो आप अपना अध्ययन करने के बाद इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 स्टॉक थे इथेनॉल सेक्टर के ऊपर जो कंपनियां इथेनॉल बनाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।